नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोगों को सिद्धार्थ लाइव परिवार में। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर अपना मास्टर्स फ्रॉम एनआईटी त्रिची। एक बहुत कॉमन डाउट आप लोगों के बीच में आ रहा था, जो मुझे कमेंट बॉक्स में भी आया और मैसेज में भी आया कि भैया पीएचडी के भी तो बहुत सारे टाइप थे जैसे कि मैंने आपको बताए थे, लेकिन उसमें भी एक अलग टाइप की पीएचडी होती है जब आप एडमिशन लेते हो, जैसे कि रेगुलर पीएचडी, इंटीग्रेटेड पीएचडी और डायरेक्ट पीएचडी। तो ये तीनों पीएचडी क्या है और इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है, आज हम इनको कवर करने वाले हैं। आज हमारे साथ बैठे हैं भैया, भैया का नाम है नरसिंह चरण प्रधान। भैया ऑलरेडी यहाँ पर पीएचडी कर रहे हैं एनआईटी त्रिची के अंदर इसी डिपार्टमेंट में, तो भैया से ही जानेंगे क्योंकि भैया ही हमें बेटर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं इस चीज के रिगार्डिंग। तो भैया से हम सबसे पहले जानते हैं कि रेगुलर पीएचडी क्या होता है। यहाँ पर गाइस अनअकैडमी लेकर आया ऑफर अलर्ट, अगर आप 12 महीने का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर फ्री मिलता है। आप 28% टोटल मनी को सेव करते हैं, जो होगी अप्रोक्सीमेटली 11,358 रुपीज। इसके साथ साथ यहाँ पर अनअकैडमी ने न्यू बैचेस गेट 2023-2024 के लिए स्टार्ट किया। अगर आप लोग पढ़ाई को स्टार्ट करने वाले तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ईसी के बहुत सारे बैचेस यहाँ पर 9 फरवरी से यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो बच्चे अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं और वो लोग गेट के लिए 2024 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए बर्फ बैच आए इंग्लिश मैकेनिकल का, जिसमें एप्टीट्यूड मैथ सबसे पहले स्टार्ट होने। इसके साथ साथ यहाँ पर स्पार्क बैच आए इंग्लिश का, बैच भी यहाँ श्रेय से सर एप्टीट्यूड एंड मैथ पढ़ाने वाले हैं 9 फरवरी से। यहाँ पर एसेंट बैच है, बाइलिंगुअल है मैकेनिकल का, बैच ई जिसमें एस के मोंडल सर बेल्डिंग पढ़ाएंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाएंगे, जे एस गिल सर, ये भी 9 फरवरी से स्टार्ट। अनअकैडमी लेकर आया 1-on-1 लाइव मेंटरशिप ऑन अवेलेबल ऑन बैब। लॉग इन करना है आपको अनअकैडमी पर, उसके बाद 1-on-1 लाइव मेंटरशिप टैब पर आपको क्लिक करना है, सेशन चूज करो, कन्वीनियंट टाइम चूज करो, बुकिंग कर लो और अपना आके मेंटर से बात करो। और ये सारे जो बैचेस हैं उनकी लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसके साथ साथ आपको बस क्या करना है, SID12334 मेरा कोड यूज करना है और आपको सारे के सारे बैचेस पर 10% का ऑफ मिल जाएगा। आप बहुत ज्यादा पैसे बचा लेने वाले हो। आपको रेगुलर पीएचडी में एनरोल करना है तो आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, एमटेक की डिग्री होनी चाहिए और कहीं कहीं आईआईटी गेट स्कोर भी मांगता है, तो आपके पास गेट की स्कोर भी होनी चाहिए। गेट स्कोर नॉट मैंडेटरी बट होनी चाहिए। और रेगुलर पीएचडी आपका 4-6 ईयर लगता है और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बस यही है रेगुलर पीएचडी आपको करना है तो। मतलब एमटेक के बाद कर सकते हैं, एमटेक के बाद। और इसमें स्टाइपेंड का कैसा रहता है? नॉर्मल आप आईआईटी एनआईटी कोई प्रीमियम इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं तो एमएचआरडी स्टाइपेंड स्टार्टिंग 2 ईयर आपको 31,000 मिलता है एक्सक्लूडिंग एचआर एंड 35,000 नेक्स्ट 2-3 ईयर। वैसे हम लोगों ने ऑलरेडी एडमिशन प्रोसेस बनाया था पीएचडी का, तो आप एडमिशन प्रोसेस में हम लोगों ने बहुत सारी चीज कवर कर दी थी कि एडमिशन कैसे होता है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाके वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। अब सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भैया इंटीग्रेटेड पीएचडी क्या होता है? इंटीग्रेटेड पीएचडी 5 साल की प्रोग्राम होती है जिसमें आप एमटेक के साथ साथ पीएचडी भी आप कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रेटेड पीएचडी में आपको एमटेक की डिग्री मिलेगी, इसके साथ साथ पीएचडी की डिग्री मिलेगी। अच्छा, एमटेक की डिग्री सेपरेट मिलेगी, पीएचडी की डिग्री भी मिलेगी इसके साथ? दिस काइंड ऑफ ड्यूअल डिग्री, एमटेक या एमएस। तो क्या मतलब एमटेक का, अगर हमें एमटेक के बाद छोड़नी है पीएचडी नहीं करनी है? जैसे आपने 5 साल का कोर्स होती है, आपको 2 साल के बाद आपको छोड़नी है, मतलब कहीं भी आईआईटी एनआईटी में कर रहे हो तो आपको एमटेक या एमएस की डिग्री मिल जाएगी। मिल जाएगी, मतलब पीएचडी फिर अगर नहीं करना है तो नहीं करना है ना। और इसमें भी कुछ एडमिशन क्राइटेरिया कुछ अलग स्पेशली? हाँ, एडमिशन क्राइटेरिया ये है कि आपके पास गेट स्कोर मैंडेटरी है क्योंकि आप बीटेक के पास जा रहे हैं। मुझे जहां तक नॉलेज है आपके पास गेट स्कोर 650 के ऊपर होनी चाहिए और आईआईटी की शॉर्टलिस्ट होने के लिए, तो मतलब इसके लिए गेट स्कोर मैंडेटरी है। और रेगुलर पीएचडी और इंटीग्रेटेड पीएचडी में जो स्टाइपमेंट होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है? स्टाइपमेंट ये है कि जैसे रेगुलर पीएचडी में क्या होता है, आप स्टार्टिंग 31,000 शुरू होती है जी जी फर्स्ट 2 ईयर जी, लेकिन यहाँ क्या होता है आपको स्टार्टिंग 2 ईयर आपको 12,400 मिलता है, मतलब अभी जहाँ एमएचआरडी का जो भी रूल है। हाँ, स्टार्टिंग 12,400 मिलता है, फिर बाद में आपको मिलेगा 31,000 फॉलोड बाय 35,000। तो मतलब इसमें इयर्स कब हो जाते हैं, 5 साल में आपका एमटेक प्लस पीएचडी दोनों हो सकता है। हाँ। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है भैया कि इंटीग्रेटेड पीएचडी हो गया, रेगुलर पीएचडी हो गया, अब डायरेक्ट पीएचडी क्या है? देखो, डायरेक्ट पीएचडी एक बहुत अच्छी प्रोग्राम है, जैसे आप डायरेक्ट बीटेक के बाद डायरेक्टली आप पीएचडी में एनरोल कर सकते हैं। आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, इवन आप फाइनल ईयर में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सीएफटी इंस्टीट्यूट एंड नॉन सीएफटी दो कैटेगरी है। सीएफटी सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईडीएम और नॉन सीएफटी जो प्राइवेट कॉलेज हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज। तो सीएफटी के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नॉन सीएफटी के लिए और एलिजिबिलिटी। आप सीएफटी की बात करें तो बीटेक सीजीपी आपके पास 8.0 सीजीपी होनी चाहिए एंड गेट स्कोर मैंडेटरी नहीं है। आप कहीं आईआईटी एनआईटी में बीटेक किए हो तो गेट स्कोर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप नॉन सीएफटी है जैसे आप कहीं प्राइवेट कॉलेज में किए हो, गेट स्कोर मैंडेटरी है, मेबी 550 टू मोर देन 550 गेट स्कोर चाहिए, फिर 8.0 सीजीपी होना चाहिए बीटेक के। ओके, नॉन सीएफटी मतलब गेट स्कोर चाहिए। हाँ, चाहिए नॉन सीएफटी के लिए। ओके, अब जैसे डायरेक्ट पीएचडी में और जो नॉर्मल आपने स्टाइपेंड तो बता दिया, यहाँ पे स्टाइपेंड कैसा रहता है? स्टाइपेंड आपका स्टार्टिंग 30,000 फॉलोड बाय 35,000। भैया जैसे एक बहुत कॉमन डाउट आता है
कि डायरेक्ट पीएचडी में भी क्या हमें एमटेक की डिग्री कुछ मिलती है क्या? नहीं, डायरेक्ट पीएचडी में क्या होती है, 5 साल की प्रोग्राम होती है, बीटेक के बाद डायरेक्ट आपको पीएचडी डिग्री मिलेगी। एमटेक मतलब बीच में आपको कहीं छोड़ना है तो एमटेक की डिग्री नहीं मिलने वाली है, मतलब आपको पीएचडी की डिग्री नहीं मिलने वाली है, कुछ भी नहीं, मतलब यू विल नॉट गेट नथिंग। जैसे लोग इंटीग्रेटेड पीएचडी करते हैं तो आईआईटी जोधपुर से इकलौता एक आईआईटी है जहाँ पर एक इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स होता है। यहाँ पर आपको एमटेक प्लस पीएचडी दोनों की ड्यूल डिग्री कॉम्बिनेशन है, पर आप इसे बीच में नहीं छोड़ सकते हो, तो एक तरीके से डायरेक्ट पीएचडी का भी कॉम्बिनेशन कह लो या इंटीग्रेटेड पीएचडी कह लो, स्टाइपेंड का रहता है। स्टाइपेंड वहाँ पर 31,000 से स्टार्ट होता है 2 साल के लिए और 35,000 3 साल फॉलोड बाय रहता है। तो वो एक लौता इंस्टीट्यूट है, मतलब उसको भी आप लोग देख सकते हो, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो कवर किया हुआ है। बट छोड़ नहीं सकता बीच में, नहीं बीच में नहीं छोड़ सकते। बहुत सारे स्टूडेंट्स का अपना अपना मन होगा, किसी को एमटेक करना होगा, किसी को नहीं करना होगा, किसी को रिसर्च में इंटरेस्ट होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि उन्हें किस कैटेगरी वाली पीएचडी में जाना चाहिए। तो भैया से हर एक कैटेगरी का मेरिट और डिमेरिट पूछ लेते हैं तो भैया से बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी। तो हम रेगुलर पीएचडी की मेरिट की बात करें तो आपके पास एमटेक की डिग्री होती तभी आप पीएचडी कर रहे हैं, तो आपके पास क्या होती है कि एमटेक थीसिस राइटिंग एंड पेपर राइटिंग और प्रोजेक्ट का जो भी आप काम किए होंगे तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहता है, तो काफी फायदा होता है जब आप पीएचडी में रिसर्च शुरू करते हैं, तो एक मेरिट है। डीमेरिट ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब 5 to 7 ईयर 5 to 6 ईयर लगता है, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये डीमेरिट है। मतलब ऑलरेडी एमटेक 2 साल, उसके बाद 5-6 साल और, तो 6 मतलब ऑलमोस्ट आपका पीएचडी खत्म होने में एमटेक 2 साल, ये मान के चलो एवरेज 5 ईयर, तो ऑलमोस्ट 7 ईयर लगता है आपका पीएचडी बीटेक के बाद। इंटीग्रेटेड पीएचडी में फायदा ये है, ये 5 साल की प्रोग्राम होती है, मतलब 2 साल बाद आपको कहीं कोई कुछ कारण वैसे आपको छोड़ना पड़े, प्रोग्राम छोड़ना पड़े, तो एटलीस्ट आपको मिल जाएगा एमटेक या एमएस की डिग्री, वो एक फायदा है। बिल्कुल, और ईयर भी कम हो जाता है, 5-6 साल में बन जाता है। और डायरेक्ट पीएचडी का मेरिट डिमेरिट, आप डायरेक्ट पीएचडी के मेरिट की बात करें तो आप मतलब पीएचडी डिग्री आपको बहुत जल्दी मिल जाता है, जैसे 20 ईयर में आप बीटेक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर पीएचडी 25 या 26 ईयर में आपको मिल जाएगी, 26 में आपके पास पीएचडी डिग्री, तो बहुत जल्दी मिल जाती है पीएचडी डिग्री। और डीमेरिट की बात करें तो थोड़ा सा रिसर्च थोड़ा टफ होता है, क्योंकि आपके पास एमटेक का कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता है, आप डायरेक्ट बीटेक के बाद पीएचडी करने के, थोड़ा सा वो टफ रहता है। मिडिल में आप छोड़ नहीं सकते, मिडिल में छोड़ेंगे तो आप ना एमटेक की डिग्री मिलेगी ना पीएचडी, क्यों डायरेक्ट आप पीएचडी जॉइन किए। इसके साथ भैया एक और डाउट आता है कि क्या डायरेक्ट पीएचडी करके हमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? हाँ बिल्कुल मिलेगी भाई, क्यों नहीं मिलेगी, बिल्कुल। तो भाई देख लो, मिल सकती है, तो ऐसा नहीं है कि अगर एमटेक डिग्री नहीं है तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब नहीं मिल सकते। क्या आपने भैया देखे कभी आईआईटी एनआईटी में से डायरेक्ट पीएचडी से आए हो? हाँ, अभी आपने एनआईटी त्रिची में काफी सारे प्रोफेसर है। देखो यार, मैंने जितनी कॉन्वर्सेशन समझी तो इससे एक मैसेज यही निकलता है कि बहुत सारे बच्चों ने गेट दिया होता है और उनके कोई अच्छे स्कोर नहीं आया होता है, तो बहुत सारे लोग उदास हो जाते हैं क्योंकि उन्हें टॉप आईआईटीज नहीं मिले। और लेकिन इनमें एक बहुत अच्छी चीज होती है, कुछ लोगों का मन ही होता है उन्हें रिसर्च की तरफ जाना है, तो डायरेक्ट पीएचडी एक बेस्ट ऑप्शन है। जरूरी नहीं कि आप एमटेक करो उसके पीएचडी करो, अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है डायरेक्ट पीएचडी के लिए डायरेक्ट एनरोल करो, आपका टेक्निकल नॉलेज वैसे ही अच्छा है और बाद में जाके आपको बहुत बढ़िया जॉब मिल सकती है, बहुत अच्छे अच्छे जो अपॉर्चुनिटीज हैं आफ्टर पीएचडी, उसके लिए भी हम लोग ये वीडियो लेकर आने वाले हैं, तो वीडियो के लिए बने रहना है। और आज का वीडियो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, भैया ने बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमें, तो भैया से बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करना है सभी बच्चों के लिए है जो एमटेक कर रहे हैं, और अपना सपोर्ट और अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। नमस्कार।